दोस्तों अज अजीम भाई अपने उस्ताद मोहतरम उस्ताद मदर नैदी साहब की परवादी कबूतर का शौक करवा लगे हैं और तुसी परवादी कबूतर देखना है तुहानू मज़ा आएगा कि तुसी कहना कि ब्रीडर कबूतर है एन जी है ठीक है माशाल्लाह ब्रीडिंग में किंग है उस्ताद मदर नैदी साहब आइज दिखाओ जी जी शान भाई क्या बात है बहुत चले गए वो बड़े निकल गए आए ना मार के रह गया कोई निकले यार पर्दा शौक करा केड़े को उठ लो जी यार पर्दा शौक बगल देखे ईशान भाई और दोस्तों को जरा दिखाएं बगल इसकी बहुत वसी बगल का कबूतर और लॉग देखो कैसा लगा है पार का जी जी इसे बहुत अच्छा लॉग लगा और है दसवां सारे दसवां पार देखें बहुत ईशान अच्छा भाई परवाजी कबूतर में एक और चीज़ है थोड़ी दोस्तों से शेयर कर लें और दसवें पार की बनावट ठीक है ये बनावट इसका पार की एंगल है जो ठीक है ये सीधा नहीं है सीधा थोड़ा नहीं सा अंदर को है इसकी थोड़ा खम है ऐसे हाँ, करके ना हाँ और ये नए आने वाले कुछ दोस्तों के लिए है कि जो अक्सर कबूतर अंधेरे में बैठते हैं ना जी ठीक है 10 से 12 घंटे वो कबूतर लाजमी परवास करते हैं माशाल्लाह क्या बात है इसके पार की ये बनावट ठीक है दसवें पार की अब चलते जाएंगे ना ठीक है ये दसवां पार आपने देखा है इसका एंगल देखें हाँ जी बैंडिज है यानी कि जिवें पखा होंदा ना हाँ जी जैसे पखे पखा हेलीकॉप्टर के पार लगा मुड़िया होंदा है जी हाँ जी क्योंकि अगर इन अगर आप सीधा कर देंगे तो फिर इन्हें परवाज ही नहीं दे सकेगा और इसमें दसवां पार जैसे होगा ना और बाकी के पार भी उसी एंगल में आएंगे ये बहुत सारे नए आने वाले दोस्त साजा का उनकी तरफ बात कर रहा नए आने वाले जो सीख रहे हैं भाई ठीक है उनके लिए ये एक टिप है माशाल्लाह ठीक है और ये 10 के 10 पार इसी एंगल में आएंगे बहुत मेहरबान शुक्रिया।